भाई सबसे पहले मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। ना सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश तीसरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकास के द्वारा किए गए जितने वादे हैं उनको भी ये सरकार पूरा करने का काम करेगी। कल अमित शाह जी का आज फोन आया, कल एनडीए की मीटिंग के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम सांसद मजबूती से एनडीए सरकार का समर्थन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग तीसरी बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। कम सीटें आई हैं, इसे किस रूप में आप देखते हैं? भाई अभी आप डिपेंडेंट हैं रीजनल पार्टीज पर, अभी भी मतगणना चली रही है। एक बार अंतिम रिजल्ट आ जाए, मैं मानता हूं बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से अभी भी हार जीत का फैसला होना है। ऐसे में मैं मानता हूं कि एनडीए का प्रदर्शन पहले ही बहुत बेहतर रहा है। जो आंकलन लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी दल दावा करते थे कि एक तरफा हो जाएगा, सूपड़ा साफ हो जाएगा, खाता तक नहीं खोलने देंगे, उसके बनिस्बत जो एनडीए गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट आते आते हम लोग का बहुत बेहतर है। मैं कतई बार्गेन करने की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, बट हाँ ये मेरे लिए, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 की 5 सीटें जीतने का काम किया। जहां मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी को बधाई देता हूं, खगड़िया से राजेश वर्मा जी को, शाम्भवी चौधरी को समस्तीपुर से और वीना देवी जी को वैशाली से। ये कहीं ना कहीं हमारे गठबंधन की ताकत है जिसकी वजह से 5 की 5 सीटें हम लोग जीते। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन को मजबूती देना और हमारे तमाम घटक दल, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस मजबूती के साथ गठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रचार किया है, ये उसी का परिणाम है। देखिए मुख्यमंत्री जी की, स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका इस चुनाव में और चुनाव के परिणामों में रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन के तमाम घटक दलों और उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। थैंक यू। अमित शाह ने क्या कहा? पहले तो उन्होंने बधाई दी, जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहा, शानदार प्रदर्शन पे उन्होंने पार्टी को बधाई दी और एनडीए बैठक की जानकारी दी।